इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक हर साल रिफ्रिजरेशन से करीब 7% ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। और यही नहीं, करंटली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे हम रिफ्रिजरेशन में प्रयोग करते हैं उससे होने वाला पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को 1000 टाइम्स ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले। लेकिन क्या हो अगर हम रिफ्रिजरेशन से होने वाले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर दें? अभी कई साइंटिस्ट रिफ्रिजरेशन के नई मेथड पर काम कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार की गैस का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इस मेथड का नाम है आइनोकैलोरिक कूलिंग। चलिए देखते हैं रिफ्रिजरेशन की शुरुआत कैसे हुई। एंशियंट टाइम्स में लोग खाना को लंबे समय तक रखने के लिए केव्स और अंडरग्राउंड टनल का प्रयोग करते थे जो खाना को एनवायरमेंट के टेम्परेचर से कम रखने में मदद करता था। आज हम जिस रिफ्रिजरेशन टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं उसकी शुरुआत 1748 में विलियम कलेन ने पहली बार एक आर्टिफिशियल रिफ्रिजरेशन के प्रिंसिपल का डेमोन्स्ट्रेट किया जिसके लिए उन्होंने इथाइल को वैक्यूम कंडीशन में रखा, उसके बाद उसे इवेपोरेट और कंडेंसेट कराया जिसने कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस किया। 1805 में ओलिवर इवांस ने वेपर कंप्रेशन साइकिल की मदद से एयर को कूल किया, लेकिन अभी भी रिफ्रिजरेशन सिस्टम में कई सारी लिमिटेशन थी। 1851 में जेम्स हैरिसन ने ईथर के प्रयोग से एक रेफ्रिजरेटर बनाया जो बियर को कूल रखने में प्रयोग किया जाता था जिसका उन्होंने पेटेंट भी लिया। आगे चलकर 20th सेंचुरी में एक नए रिफ्रिजरेंट CFC के डिस्कवरी ने रिफ्रिजरेशन को और भी एफिशिएंट बना दिया, लेकिन CFC के एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से इसे आगे चलकर कम्प्लीटली बैन कर दिया। आयोनोकैलोरिक कूलिंग को समझने से पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि अभी यूज होने वाला रिफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है। अभी करंटली हम रिफ्रिजरेशन के लिए वेपर कंप्रेशन साइकिल का प्रयोग करते हैं जिसमें हम एक रिफ्रिजरेंट यानी कि गैस का प्रयोग करते हैं जो एक जगह से हीट को एब्जॉर्ब करके दूसरे जगह हीट को रिलीज करता है। इस साइकिल में चार कंपोनेंट होते हैं, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। सबसे पहले यह इवेपोरेटर की मदद से सिस्टम में मौजूद हीट को एब्जॉर्ब करके रिफ्रिजरेंट अपने वेपर फॉर्म करता है जिसका प्रेशर और टेम्परेचर लो होता है। इसके बाद कंप्रेसर वेपर को कंप्रेस करता है जो इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। इसके बाद रिफ्रिजरेंट कंडेंसर में हीट को रिलीज करके एक हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यह एक्सपेंशन वाल्व में जाकर अपने प्रेशर को कम करता है और कूलिंग देता है। ऐसे यह साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलता है जो हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब से हमने यह रिफ्रिजरेशन सिस्टम को डिस्कवर किया है तब से यह एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। स्टार्टिंग में हम CFC गैस का प्रयोग करते थे जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था, लेकिन फिर हमने इसे बैन करके HCF का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन HCF भी एनवायरनमेंट को हीट कर रहा है। साइंटिस्ट ने रिफ्रिजरेंट का प्रयोग कम्प्लीटली खत्म करने के लिए एक नए मेथड पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है आयोनोकैलोरिक कूलिंग। जब आइस मेल्ट होता है तो वह आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से वह लिक्विड वाटर में बदल जाता है। इसी प्रकार जब लिक्विड वाटर अपनी हीट को रिलीज करता है तो वह सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आयोनोकैलोरिक कूलिंग इसी बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है। आयोनोकैलोरिक कूलिंग के लिए एक सॉलिड मटेरियल को लेते हैं जिसमें कई सारे आयंस मौजूद होते हैं। हम इस सॉलिड मटेरियल को दो सिस्टम के बीच में रखते हैं, सिस्टम 1 जो कि हाई टेम्परेचर पर होता है और सिस्टम 2 जो कि लोअर टेम्परेचर पर होता है। जैसे हम सॉलिड मटेरियल पर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं वैसे ही सॉलिड मटेरियल में मौजूद हीट हॉट सिस्टम से कोल्ड सिस्टम की तरफ मूव होने लगता है और वह एब्जॉर्ब हीट को कोल्ड सिस्टम में रिलीज करता है और धीरे धीरे वह हॉट सिस्टम को कूल कर देता है। अभी साइंटिस्ट ने आयोडीन, सोडियम और इथिलीन कार्बोनेट की मदद से सॉलिड मटेरियल को डेवलप किया है। जब साइंटिस्ट ने इसका टेस्ट किया तो यह 1 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर रहा था जो कि अभी यूज होने वाले रिफ्रिजरेशन सिस्टम से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। सपोर्ट करें हमारे साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुँचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।